यहाँ की जब मैंने देखा इट्स इट्स वेरी सरप्राइजिंग एक काम यहाँ पे हो रहा था जिसका इलम मुझे नहीं था, हालांकि मैं यहाँ आती रहती हूँ। सो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो मैंने कहा चलो इस पर ब्लॉग बनाते हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि हर साल 100 बंदों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इफ्तार करवाता है, जिसमें से 100 लोगों को गिलगित में इफ्तार कराई जाती है। टोटल 1500 लोग जो है पूरे पाकिस्तान में हर दिन इफ्तार करते हैं इनकी तरफ से। तो ये जो डब्बे हैं यहाँ पे पैक हो रहे हैं, इम्तियाज़ सर हमारे साथ मौजूद हैं, वो पैक कर रहे हैं। यहाँ पे शीरीन बाजी है और किरण बाजी है जो यहाँ पे पैक कर रहे हैं, और हाजी साहब भी यहाँ पे थे, इकबाल आसिफ साहब जो कि अभी बाहर गए हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम सबको जो रमज़ान का माह मुबारक है इस पर इसी तरह से रहमतें बरकतें समेटना चाहिए, गरीबों को अपने गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। हाजी साहब भी आए हैं, इनसे भी जानते हैं। इफ्तार वाला काम तो हर रमज़ान में कुम रमज़ान से लेके पूरे महीने करते हैं, डेली 100 डब्बे हम पैक करते हैं। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये इदारा है वेलफेयर का, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल, ये कराची में हेड ऑफिस है इनका, पूरे मुल्क में ये काम करते हैं। वैसे भी करते हैं सलाह हो वैसे भी, तो रमज़ान में खसूस तौर पर ये करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें समोसा है, एक रोल है, जूस है, कप केक है और इसके साथ एक बिस्किट है, तो और दो खजूर है। दो सर, ये रोज़ाना कितने लोगों को इफ्तार कराते हैं आप लोग? हाँ, तकरीबन 100 रोज़गारों को इफ्तार कराया जाता है। ओके, और एक डब्बे की लागत कितनी है कम अज़ कम? लागत तो अलबत्ता बताया नहीं जा सकता, कोई हमने कैलकुलेशन तो नहीं की है। अलबत्त ये कि इसके अंदर ये कि समोसे होते हैं और बिस्किट होता है, केक होता है, जूस है और खजूर वगैरह। माशाल्लाह। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये इंटरनेशनल एनजीओ है, इदारा है जो इफ्तार हर साल जो है मुसाफिर हों जो कोई भी हों उनके लिए इफ्तार करवाते हैं, और बहुत अच्छा पैकेज है ये, किसी स्पेसिफिक या किसी गरीब के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए है। Oh,